मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। चाची के साथ नाजायज संबंध बनाते हुए चाचा ने भतीजे को रंगे हाथ पकड़े लिया, फिर क्या था, चाची और भतीजे की गांव वालों के सामने ही जबरन शादी करवा डाली। वीडियो में दिख रही तीन बच्चों की मां की शादी हो रही है, वो भी उसी के भतीजे के साथ। पहले दोनों ने एक दूसरे को माला पहनाया, फिर भतीजे ने चाची के मांग में सिंदूर भरी, उसके बाद चाची ने भतीजे के पैर छुए। अब ये वीडियो काफी वायरल हो रही है। मामला बिहार के पूर्णिया का है, जहां 44 साल की महिला का पति पंजाब में रहकर नौकरी करता था और इसी बीच 44 साल की चाची का दिल 14 साल के भतीजे पर आ गया। धीरे धीरे दोनों में प्रेम कहानी आगे बढ़ने लगी और दोनों के बीच अवैध संबंध भी हो गए। जब ये जानकारी गांव वालों को लगी तो गांव वालों ने फोन करके महिला के पति को पूरी हकीकत बता डाली और अचानक घर पहुंचे पति ने जब भतीजे के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया, जिसके बाद घर में जमकर बवाल हो गया। इसी बीच धीरे धीरे गांव के लोग भी इकट्ठा होने लगे और ये फैसला लिया गया कि दोनों की शादी करा दी जाए, जिसके बाद चाची और भतीजे दोनों को डरा धमका कर शादी भी करा दी गई। ये पूरा मामला 12 सितंबर का है और वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने भी एक्शन ले लिया है। पुलिस ने महिला के पति सहित अन्य ग्रामीणों पर FIR दर्ज की है और आगे मामले की जाँच जारी है।